प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में सबको जय मसीह की। जिनके वो चलते हैं प्रभु का धन्यवाद करते हैं जिसने अभी तक हमें संभाला है। प्रभु की महिमा और प्रभु की स्तुति हो। ये प्रभु का अनुग्रह है कि आज हम आपके सामने हैं और प्रभु की महिमा करने के लिए, प्रभु का वचन पढ़ने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता परमेश्वर, शांति के राजकुमार, हमारे महान जलाली परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, बाप बेटा पवित्र आत्मा। धन्यवाद, थैंक्स करते हैं पिता परमेश्वर आज के सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर, और इस सुंदर समय को और इस सुंदर वचन को प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। जितना वचन पढ़ा, सुना, देखा जाए खुदावंत, आज पिता परमेश्वर इनके पिता परमेश्वर छुटकारे का कारण हो और बड़ी बरकत इनके जीवन में आए। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। वचन की ओर चलते हैं। पहला है यूहन्ना, उसकी 2 और हम उसकी 15 ऐसे को निकालेंगे। तो वहां वचन क्या कहता है, संसार से प्रेम ना करो और ना उन वस्तुओं से जो संसार में हैं। यदि कोई संसार से प्रेम करता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, क्योंकि वह सब जो संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की लालसा और जीवन का अहंकार पिता की ओर से परंतु संसार की ओर से है। हालेलुया। आज का वचन हमें ये सिखाता है कि हमें संसार के नहीं बनना है, क्योंकि जो मसीह होता है वो संसार का नहीं होता। मसीह को बहुत सारी बातें हैं जिससे दूर रहना पड़ता है, संसार की अभिलाषाओं से दूर रहना पड़ता है। ये नहीं कि हम कोई सुख ना लें, हम जीवन जी रहे हैं तो दुख में जिए, ये नहीं, इसका मैं नहीं कह रही हूँ। मैं बोल रही हूँ कि संसार के नहीं बनना है, मतलब जो संसार कर रहा है उसकी तरह हमें नहीं करना है। संसार चुगली कर रहा है, झूठ मार रहा है, हर तरह के काम बुरे कर रहा है, संसार वो कर रहा है, हमें उन चीजों को छोड़ना है। ये जो संसार कर रहा है आज हम देख रहे हैं, नौजवान जो लड़के लड़कियां वो क्या कर रहे हैं, नशों में जा रहे हैं, व्यभिचार में जा रहे हैं, घरों में कलेश है, पति पत्नी में कलेश है, माता पिता की नहीं कोई सुन रहा है, माता पिता का आदर नहीं कर रहा है, संसार ये कर रहा है। हमें इन चीजों से दूर रहना है, संसार की इन सब चीजों से हमें दूर रहना है ताकि हम प्रभु के वचन को पूरा कर सके। अभिलाषी बनना है हमें प्रभु के, ना कि संसार की चीजों की ओर अभिलाषी बनना। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं और अपने जीवन से भी हमने कुछ सीखा है, जब हम अपने जीवन में कुछ अभिलाषा लेके चलते हैं कि हमें इस चीज ये चीज चाहिए और हम उससे ज्यादा सोचने लग जाते हैं कि नहीं, हमें हमारे घर में अगर ये चीज होती तो अच्छा होता। ये हमारी हो जाती है अभिलाषा कि प्रभु ने एक हमें चीज दी है, वो हमें इस्तेमाल करने के लिए, हमारी हेल्प करने के लिए प्रभु ने हमें चीज दी है। अगर हम उससे ज्यादा मांगते हैं कि नहीं प्रभु हमें ये दे देता तो ये अच्छा होता है, ये हमारी अभिलाषा हो जाती है। तो इन अभिलाषाओं से हमें निकलना है, उन चीजों तक सीमित रहना जो हमारी जरूरत की है, जिससे हमारी जीवन का जो निर्वाह बिल्कुल अच्छी तरह हो रहा है और हमें लगता है कि इससे हमारा जो काम है वो बन जाता है। अगर हम उससे ऊपर सोते थे दोस्तों, वो हमारी अभिलाषा की ओर चला जाता है। हम ऐसी अभिलाषा को छोड़ते हुए और जिन चीजों से हमारा पेट भर रहा है, हमारी जरूरतें पूरी हुई है, उनमें अगर हम सीमित रहते हैं तो प्रभु की यहाँ मर्जी पूरी हो जाती है। बट हम कभी कभार जब हम अपने जीवन में देखते हैं, झांकते हैं, तो पता लगता है कि नहीं, हम तो बहुत ज्यादा अभिलाषी है, हम तो बहुत ज्यादा चीजों को यानी कि और प्रभु के आगे मांग रखते हैं कि प्रभु हमें ये कर दे, प्रभु हमें वो कर दे, आज हमें आज ये चाहिए, कल हमें वो चाहिए। हम आगे आगे बढ़ते जाते हैं, मतलब प्रभु की जो चीजें उससे पीछे छूट जाते हैं, प्रभु की जो मर्जी है उससे पीछे छूट जाते हैं और अपनी ही अभिलाषों में हम जीना शुरू कर देते हैं, संसार की अभिलाषों में, संसार की ओर देख देख के कि संसार ऐसा कर रहा है कि हम भी करें। बट दोस्तों, हम संसार के नहीं है, क्योंकि हमारा पिता जो स्वर्ग में है, जो हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह यहोवा परमेश्वर पवित्र आत्मा, वो हमें ये नहीं सिखाती है कि हम संसार के बने, क्योंकि हम संसार से चुन लिए गए हैं। प्रभु ने हमें चुन लिया है संसार से, हमें निकाल लिया है इन सब लोगों के बीच में से। ये प्रभु का अनुग्रह प्यार है कि आज हम इस जो संसार, इतना बड़ा संसार है, इनमें से हम चुने गए हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का कि उनकी दृष्टि हम पर बनी, परमेश्वर की जो दया हम पर आई, प्रभु की दृष्टि हम पर आई और हम इस संसार से चुन लिए गए। हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर का कि मेरा विश्वास है जो आज का वचन है आपके जीवन में जो बोया गया है वो आपके जीवन में बड़ा फल लेके आएगा, जैसे खुदावंत का वचन कहता है, क्योंकि वे सब जो संसार में अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की लालसा और जीवन का अहंकार पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। हालेलुया।
मैंने आपको पहले भी बोला कि जो अभिलाषा वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो हमारी ओर से, क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक चीज दी है, उस चीज को हमने इस्तेमाल करना है, अपनी जरूरत को पूरा करना। अगर हम उससे ज्यादा प्रभु के आगे जाते हैं अपनी यानी कि इच्छा को पूरा करने के लिए, हम अपनी हद से ज्यादा बढ़ रहे, तो वो अभिलाषा कहलाएगी चीज। तो इन चीजों से हमें नहीं रहना है। हमने आंखों की दृष्टि से जो संसार में है, जो संसार के लोग कर रहे हैं, आंखों की दृष्टि से देख के हमने ये नहीं सोचना कि हमें भी ये करना है, हमें भी वो करना है। हमें उनमें रहना है जो प्रभु की मर्जी है, प्रभु की मर्जी के तहत हमें अपने जीवन का निर्वाह करना है। आइए हम लास्ट प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद करते हैं सामर्थ्य पिता परमेश्वर का, सर्वशक्तिमान दयावान दयालु कृपालु महान सामर्थ्य पिता, पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं आज के सुवचन के लिए पिता, जो आज आपने हमें दिया खुदा विश्वाजा, जो आपने बताया कि हम संसार के नहीं है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आपने हमें संसार में से चुन लिया, और पिता परमेश्वर जो अभिलाषा है पिता, जो आंखियां हमारी अभिलाषा है पिता, जो जीवन का आहार पिता, पिता परमेश्वर जो पिता परमेश्वर तेरी ओर से नहीं पिता परमेश्वर, जो संसार की ओर हम देख के करते हैं पिता परमेश्वर, संसार की ओर देख के प्रभु हम अन्य अन्य गलत काम करने की ओर चल पड़ते हैं पिता परमेश्वर खुदावन। और पिता तूने कहा वो नाश की ओर है पिता परमेश्वर खुदा, जो परमेश्वर में बना रहता है वो सर्वदा बना रहता है पिता परमेश्वर खुदावन। पिता हम तेरे ओर आते हैं पिता परमेश्वर, और तेरे आगे झुकते हैं पिता परमेश्वर कि हम प्रभु तेरी ओर बने रहे पिता, ताकि हम सर्वदा पिता परमेश्वर तेरे रहकर पिता परमेश्वर अपने जीवन को पिता परमेश्वर व्यतीत करें। सामर्थ्य परमेश्वर धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए पिता परमेश्वर, इसके पावर ऑफ पिता परमेश्वर वर्ड के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं, तारीफ करते हैं, सारी महिमा सारा इज्जत सारा जलाल प्रभु तेरे नाम को देते हैं पिता। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं कि पिता परमेश्वर ने हमें अपने परमेश्वर ने हमें इस संसार से चुन लिया है और हमें अलग कर दिया है, हम अब इस संसार के नहीं बल्कि परमेश्वर के हो चुके हैं पिता परमेश्वर खुदा, जो मान रहे हैं पिता परमेश्वर प्रभु ने बहुतायत की आशीष देना, बहुतायत की बरकत देना पिता, पिता परमेश्वर के जीवन में बड़े बड़े काम करना, तेरे चिन्ह और चमत्कार प्रभु इनके जीवन में आए पिता परमेश्वर, और जाने कि हाँ पिता तू ही सर्व से सर्व उत्तम परमेश्वर है खुदा। धन्यवाद करती हूँ तमाम गवाही के लिए, जितनी गवाही इस चैनल पर आ रही है प्रभु जी, सब गवाही के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, सारे समय को प्रभु परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं खुदा, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।